जितने फेमस हमारे बॉलीवुड स्टार हैं, कुछ उतनी ही चर्चा यूट्यूबर्स की भी इन दिनों हो रही है। हाल ही में एल्विश यादव को सांप के जहर सप्लाई मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वो भी एक यूट्यूबर की ही है। हाल ही में इन्होंने बिग बॉस की ट्रॉफी भी अपने नाम की है, लेकिन जीत का नशा जब सर पे चढ़कर बोला तो ये जनाब नशे के मैदान में भी उतर आए। जमकर नशेबाजी कर रहे थे तभी पुलिस ने धप्पा बोल दिया और जिस तरीके से उठा कर ले गई वो भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलिए अब इस बात से पर्दा उठा ही देते हैं कि ये जनाब कौन है। ये है स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद आगे की कहानी हम आपको बताएंगे कि आखिर पुलिस मुनव्वर को ऐसे उठाकर क्यों ले गई। पोद्दार साहब क्या हुआ है? अरे वो भाई कार्रवाई चल रहा है, अभी इंटरव्यू मत ले लो। मुनव्वर फारूकी को डिटेन किया गया है, थोड़ा कार्रवाई तो करने दो। जानकारी के मुताबिक सोशल सर्विस ब्रांच ने बीती रात यानी कि 26 मार्च की आधी रात को मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित सबारन हुक्का पार्लर में रेड के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पार्लर में तंबाकू प्रोडक्ट के साथ निकोटीन का उपयोग हुक्का पार्लर में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, वहीं अगर तम्बाकू प्रोडक्ट पाए जाते हैं तो पुलिस द्वारा सिगरेट एंड टोबैको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि मुनव्वर फारूकी को नोटिस देकर रात में ही घर जाने दिया गया। मामले में अब तक मुनव्वर की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। बीती रात मुंबई के फोर्ट स्थित सबालन होटल में SS ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को हिरासत में लिया। इन 14 लोगों में एक नाम है मुनव्वर फारूकी का, जो इस बार बिग बॉस फेम के विनर भी रह चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी सबालन होटल के बाहर, जहां पर आरोप है ये सभी यहां पर हुक्का पी रहे थे, जिसके बाद SS ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए इन सभी 14 लोगों को हिरासत में लिया। तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है, जब पुलिस ने फोर्ट में चल रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारा तो मुनव्वर फारूकी मौके पर मौजूद थे। टेस्ट के दौरान वो पॉजिटिव भी पाए गए। क्योंकि ये एक संगीन अपराध है, इसके लिए उन्हें दंडित कर छोड़ दिया गया है।
मुनव्वर फारूकी पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 और COTPA 2003 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर कई दूसरी धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने हुक्का पार्लर से 4400 रुपए कैश और 9 हुक्का पॉट बरामद किए हैं। ये पॉट्स लगभग 13,500 रुपए के हैं। पुलिस मामले पर जांच कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर फारूकी का नाम विवादों में आया है। इससे पहले उन्हें साल 2021 में इंदौर में एक स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान विवादित बातें कहने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मामले में लगभग उन्होंने 35 दिन तक जेल में भी गुजारे। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग तो झेली ही, साथ ही उनके कई शोज भी कैंसिल हो गए थे। इसके बाद मुनव्वर कंगना के शो लॉकअप से भी काफी चर्चा में आए। इसके बाद मुनव्वर फारूकी कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी नजर आए। वो शो के विनर बनकर सुर्खियों में भी आए। लॉकअप जीतने के बाद उन्होंने बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया और वो शो के विनर बनकर बाहर निकले। बिग बॉस जीतने के बाद उनकी खुशियां सातवें आसमान पर थी। वहीं एक बार फिर से उनका नाम विवादों से जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।